कपड़ों से भरा बैग लेकर और गोदी में एक छोटी सी बच्ची और साथ में एक और बच्ची, दो बच्चियों को साथ लेकर एक महिला जो है अलूपुर गांव से मतलोडा के नजदीक जो है भटकती हुई मिलती है और ना ही ये बोल पा रही है। और छोटी छोटी दो बच्चियां हैं कि आखिरकार क्या हुआ है जो घर से बाहर निकलकर इस तरीके से ये एक गाँव में भटकती हुई मिलती है। और पुलिस जो है उसके बाद जो आसपास के लोग होते हैं पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, पुलिस वहां पर पहुंचती है, उसके बाद इन्हें अपना आशियाना आश्रम लेकर आया जाता है। आप लोगों से मैं अपील करूंगी कि इससे पहले भी आपने बहुत से लोगों को, बहुत से बच्चों को, बहुत से महिलाओं को उनके घर तक पहुंचाया। यहाँ देख सकते हैं छोटी छोटी दो बच्चियां हैं जिसकी उम्र मुझे लगता है इसकी उम्र महज 5 वर्ष होगी और ये छोटी सी गोदी में देख सकते हो ये 2 से 3 इसकी उम्र जो है लग रही है और ये जो है बोल नहीं पा रही, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ अगर ये कुछ बोल पाए। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? नाम बताओ। नाम नाम क्या आपका? कहाँ से आए हो? आप देख पा रहे हैं कि वो बोल नहीं सकती हैं, लेकिन जो बच्ची है ये थोड़ा सा कुछ बता रही है। इससे बच्ची से मैं बातचीत करती हूँ। बेटा क्या नाम है आपका? लुबना। लुबना। और मम्मी का क्या नाम है? रिहाना। रिहाना। और छोटी बहन का, बहन ही आपकी, क्या नाम है उसका? हफीफा। तो जिस तरीके से नाम बता रही है लुबना रिहाना, तो मतलब मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते हुए दिख रही है। तो आप लोगों से हमारी हाथ जोड़कर अपील है कि इस वीडियो को जो है जन जन तक आप पहुंचाएं ताकि ये छोटी छोटी मासूम सी बच्चियां, ये जो महिला है बोल नहीं पा रही, अपने घर तक सही सलामत पहुंचे। मैं इससे जानती हूँ। बेटा आप कहाँ रहते हो? बडोली में। बडोली में रहते हो, तो ऐसे यहाँ कैसे पहुँच गए, अलूपुर गाँव में कैसे पहुँच गए? अब्बू का नाम था। मेरे अम्मी लाई। अम्मी लाई थी, क्यों? अच्छा अब्बू कहाँ है आपके? काम पे। अब्बू काम पे गए हैं, तो क्यों निकले तुम ये सामान लेके, बैग भी लेके निकले हो? कहाँ जा रहे थे? कहाँ जाना था बेटा आपको? बडोली। बडोली कोई रहता है आपका? कौन रहता है? मेरा मम्मू। मामा रहते हैं? मामा रहते हैं, मामा के घर जाना था। अच्छा एड्रेस पता है आपको कहाँ रहते हो? फोन नंबर पता है किसी का, फोन नंबर या एड्रेस? अच्छा घर के पास कुछ ऐसे मंदिर या कुछ ऐसी स्कूल कुछ है बता सकते हो? स्कूल है बस। स्कूल है? कौन सा स्कूल है? आंगनवाड़ी। आंगनवाड़ी स्कूल है? अच्छा। और आज आपके मामा रहते, तो मामा के घर जा रहे थे आप? और किस चीज पे घर से निकले थे? पैदल निकले थे, बस पे निकले थे, किस पे निकले थे? पैदल। तो अब्बू को बता के आए हो आपने जाना है? ना। अब्बू को नहीं बताया आपने? काम पे जा रहे थे। अब्बू का क्या नाम है आपके? शकीर। क्या नाम है? शकीर। शकीर नाम है अब्बू का। मम्मी का रिहाना, अम्मी का। हाँ। और आपका? लुबना। लुबना। तो घर जाना है आपको, वापस अब्बू के पास जाना है? हाँ। जाना है अब्बू के पास। तो अब आपको किसी का फोन नंबर नहीं पता, अब्बू का, किसी का भी घर में? ना। तो आप ये देख पा, अब्बू के पास है फोन नंबर नहीं पता आपको? जाना है आपको घर? आप देख पा रहे हैं छोटी सी बच्ची है, कह रही है कि मुझे जो है बडोली जाना था, मामा वहां पर रहते हैं, लेकिन शायद ये भटक गए हैं रास्ता और ये इनको पता नहीं चल पा रहा। छोटी छोटी मासूम ये दो बच्चियां, मैं आप लोगों को कहूंगी ध्यान से आप इनके चेहरे देख लीजिए, इस महिला का भी जो बोल नहीं पा रही है। छोटी सी बच्ची है गोदी में आप लेकर देख सकते हैं, 2 से 3 वर्ष इसकी उम्र है। ये 5 वर्ष की जो है बच्ची है, बैग देख सकते हो आप, पूरा बैग जो है मतलब कपड़ों से भरा हुआ लेकर जा रहे थे, निकले ये कहीं जाने के लिए थे। ये बोल रही है कि मामा का घर बडोली में पड़ता है, वहां पर जाना था लेकिन पहुंच नहीं पाए। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील, इनको सही सलामत घर पहुंचाने में आप हम लोगों की मदद कर सकते हैं। अपना आशियाना आश्रम फिलहाल लेकर पहुंचे हैं। तो राजकुमार जी से हम लोग बातचीत करते हैं। सर क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या कुछ जानकारी मिली, कैसे आपके पास पहुंची है ये? देखिए ये सब सर्वप्रथम तो करनाल ब्रेकिंग न्यूज का तहे दिल से धन्यवाद। हमारे पास हेड कांस्टेबल पूनम जी आए हैं जो मतलोडा थाने से हैं, बहुत सेवा भावी हैं, एक लेडी कांस्टेबल हैं और बड़े अच्छे भाव के साथ ये इस बहन के लिए, इस इन बेटियों के लिए आए हैं ताकि इसका परिवार मिल सके। डायल 112 वालों ने इनको फ़ोन किया तो फिर उसके बाद ये मतलोडा थाने में, उसके बाद ये यहाँ पर लेके आए हैं ताकि ये सुरक्षित हाथों में रहे। और उसके बाद अब ये आपके माध्यम से अपील है कि ये देखो मुस्लिम परिवार की है और हमारे लिए जो है वो धर्म बाद में है, इंसानियत धर्म सबसे पहले है। इस बेटी को और साथ में दो बेटियों को सर्वप्रथम सुरक्षा मिलनी चाहिए, नहीं तो ये कहाँ पर सारी रात धक्के खाते रहेंगे। बारिश का भी मौसम है तो ये इसलिए, और बोल नहीं पा रही है, लेकिन बेटी की जो छोटी बेटी है वो थोड़ी सी
समझदार है जिसने अपने बारे में, अपनी मम्मी के बारे में, अपने पापा के बारे में बताया। मैं आपके माध्यम से एक अपील करता हूँ, कोई भी बड़ोली यूपी के एरिया के रहने वाला हो, ये शायद इसके मामा हो सकते हैं या इसके पापा भी उधर ही, बच्ची मामा के घर जाना था, क्योंकि ऐसा भी नहीं है, क्योंकि इसके पास ना एक, जब ये यहाँ आई है इसने दिखाया कि मुझे यहाँ चोट लगी हुई है, वो कह रही मेरे को मारा हुआ है। अब क्या बात हुई है ये तो भगवान जानता है, अभी हमारे को कुछ नहीं पता, लेकिन इसके पास जो तहकीकात में उन्होंने इनकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करी है, तो इसके पास जो टिकट मिली है वो करनाल से असंध तक की टिकट मिली, बस की टिकट, बाद में वो करनाल से असंध गई है, असंध से फिर ये सफीदों गई है, सफीदों से ये फिर मतलोडा थाने के पास ये भटक गई है, ये क्योंकि इन्हें पता नहीं चल रहा और ये कुछ बता भी नहीं पा रही है। तो ऐसे बस में बैठे बैठे अब इसके पास पैसे खत्म हो गए, तो वहां पर वो पैदल थी या क्या था क्या नहीं था, बाकी तो देखो उनको मिले हैं। तो अब आपके माध्यम से यही अपील है कि कोई भी अगर परिवार, कोई मुस्लिम मेरा भाई अगर परिवार से अगर है कोई इसको जानता है, तो कमेंट बॉक्स के अंदर इसका एरिया, इसके पापा का अगर फ़ोन नंबर जानता है तो वो इसके अंदर मेंशन कर दे, नहीं तो अपना आशियाना आश्रम के अंदर कॉल कर सकते हैं, जिसका हेल्पलाइन नंबर 9416110073 9416110073 नंबर है, नहीं तो आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के 9812013353 पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो आप लोग जो है, किसी को भी अगर पता चलता है बड़ोली के एरिया के आसपास के रहने वाले हैं, तो आप लोग प्लीज इन्फॉर्म कर दीजिए, ताकि ये बच्चियां छोटी छोटी जो है भटकती हुई मिली हैं। सर ने बोला कि इनके पास टिकट मिलती है, बस की टिकट है करनाल से असंध, लेकिन असंध से उसके बाद ये वापस कैसे वहां पर पहुंच जाती है, अलूपुर गाँव में बताया जा रहा है मतलोडा, और मतलोडा पुलिस जो है यहाँ पर इन्हें लेकर पहुंचती है। और आप लोगों से अपील है कि पहले भी बहुत से लोगों को आप घर तक पहुंचा चुके हैं, और अपना आशियाना आश्रम अक्सर ऐसे बेसहारा लोगों को अपने घर पर जो है रखते हैं, अपने आश्रम में रखते हैं, और बहुत से लोगों का नेक सेवा जो एक काम जो है किया जा रहा है। अंशु जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, अपना आशियाना से उनसे बातचीत करते हैं। सर क्या कुछ बताना चाहेंगे, ये महिला मिली है जो बोल तक नहीं पा रही है और दो छोटी छोटी बच्चियां इनके साथ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमने काउंसलिंग तो किया मगर वो बोल नहीं पा रही, बिटिया को भी लिखने के लिए कोशिश की, अभी कुछ लिख दे अगर अपने गाँव गाँव का नाम। मैं यही कहना चाहूंगी भी अगर फेसबुक फ्रेंड्स करनाल ब्रेकिंग न्यूज के इस वीडियो को शेयर करें, ताकि इसके परिवार का जल्द से जल्द पता चल सके। हमारे यूपी के अंदर बड़ोली गांव है, शायद ये बड़ोली गांव की ही लग रही है। बड़ोली में जिस किसी को भी अगर इसके परिवार का कुछ पता लगता है तो हमारे करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ से संपर्क कर सकता है, या अपना शाना की टीम से संपर्क कर सकता है, या हमारे हेल्पलाइन नंबर है 9416110073 से, और करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ से भी पता कर सकता है 9812013353 से। तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर अपना आशियाना के ये दो नंबर्स आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और उसके अलावा कोई भी आपको रास्ते में कोई इंसान मिलता है जो दिमागी रूप से कमजोर है, बेसहारा है, तो उसके लिए एक घर जो है अपना आशियाना आश्रम जरूर एक बार बच्ची से मैं फिर से बातचीत करने का प्रयास करती हूँ। कुछ शायद थोड़ा कुछ और डिटेल जो है इस बच्ची से मिल पाए। आप देख पा रहे बैग है इनके हाथ में पूरा, और जैसे सर ने बताया कुछ चोट भी लगी हुई, कुछ चोट लगी हुई है आपको, ये देखो आप ये देख पा रहे हैं चोट लगी हुई है, सिर में भी लगी हुई है, ये सिर भी दिखा रही है अपना, यहाँ भी मारा है किसी ने आपको, किसने मारा है तो अभी दिखा रही है, सिर दिखा रही है अपना उन्होंने नाक दिखाया और हाथ दिखाया है कि मुझे चोट जो है लगी हुई है। आप ये देख पा रहे हैं कि थोड़ा सा लग रहा है कि चोट लगी, क्या कुछ कारण है अभी कुछ स्पष्ट नहीं है, क्या इनके साथ हुआ है, क्यों ये घर से निकली है, और गर्दन भी बता रही हैं कि शायद जिस तरीके से इशारा कर रही हैं कि चुन्नी से शायद इनका गला दबाया गया, आप देख पा रही हैं। बच्ची से बात करती हूँ, मम्मी को अम्मी को मारा था किसी ने, किसने मारा था? मेरा अब्बू ने। अब्बू ने मारा था, क्यों? रोटी नहीं पकाई थी इसलिए मारा था। तो अब्बू फिर उस टाइम घर पे थे जब आप लोग घर से निकले, घर पे थे तो अब्बू ने रोका नहीं आपको? नहीं रोका। तो अब जाना है आपको घर वापस जाना है? हाँ? अच्छा एक बार नाम बता दो अपना फिर से, नाम बता दो बेटा। लुबना। लुबना, लुबना नाम है आपका। और मम्मी का, अम्मी का क्या नाम है? रिहाना। रिहाना। अब्बू का? सगीर। सगीर। और कहाँ रहते हो आप? बडोली में। बडोली रहती हैं। मैं दिखा रहा हूँ, वो अपना फिर से दिखाई जा रही है कि उन्हें चोट जो है लगी, और बच्ची कह रही है, हालांकि हम ऐसा नहीं कह सकते, ये जांच का विषय है, कि बच्ची कह रही है कि जो है अब्बू ने जो है मारा। एक बार मैं मैम से बातचीत करूंगी, मैम से एक बार मैं बातचीत करती हूँ जो पुलिस इन्हें यहाँ पर लेकर पहुंची। मैम ये कह रहे हैं कि इन्हें शायद मारा भी गया, चोटें दिखा रही है, और बच्ची भी कह रही है कि अब्बू ने मारा है। इसके बारे में अभी अब्बू का, इसके अब्बू का पता चलेगा तभी उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, अभी पता तो नहीं लग रहा है अभी इसके अब्बू हैं कहाँ।
तो सर अभी कह रहे हैं अगर मारपीट भी हुई है तो फिर मतलब वापस भेजा जाएगा या यही आश्रम में रखा जाएगा, क्या परिवार के अंदर लड़ाई झगड़े छोटे मोटे होते रहते हैं। बाकी अगर उसके ये तो जांच का विषय है, लेकिन अगर वो आ जाता है, अब ये तो हस्बैंड वाइफ है, ये आज लड़ाई करी है कल फिर इकट्ठे हो जाएंगे, तो परिवार तो उसने पालना ही है, उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं, तो वो फिर भी रखेगा। अगर वो आता है, अगर वो मानता है कि मेरे से गलती हो गई है या मैंने नहीं किया ऐसा, क्या पता, ये भी तो मानसिक रूप से विषप्त है, ये सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं ये भी तो नहीं कुछ पता ना। बच्ची बोल रही है, छोटी है, छोटी की बच्ची की बात के ऊपर इतना विश्वास भी नहीं किया जाए। कई बार बच्चों को अगर खाने पीने की टॉफी ना दी जाए तो वो नाराज हो जाती है अपने पापा से, तो कुछ भी बोल सकती है। तो ऐसा ये तो सब बात की बातें हैं। अगर सब सर्वप्रथम तो इसका घर परिवार मिलवाना हमारी प्राथमिकता है। तो मैं एक बार आपको चेहरा दोबारा से दिखा देना चाहूंगी, छोटी सी बच्ची का और ये महिला का, और जो गोदी में छोटी सी बच्ची है लुबना और उसकी अम्मी रिहाना, और साथ में छोटी सी ये बच्ची जो है भटकती हुई मिलती है आलूपुर गांव मतलोडा में, और उसके बाद जो आसपास के लोग हैं इन्हें जो है डायल 112 को कॉल करते हैं, उसके बाद जो मतलोडा पुलिस है उन्हें यहां पर लेकर आती है, पहले वन स्टॉप सेंटर में लेकर जाया जाता है और फिर अपना आशियाना आश्रम में लेकर जाया जाता है। फिलहाल बच्ची जो है बोल रही है हमें नहीं पता, कुछ स्पष्ट नहीं है कि मारा है या नहीं मारा है अब्बू ने, और लेकिन बड़ोली गांव की बता रही है कि हम बड़ोली के रहने वाले, तो जितने भी आसपास के लोग हैं बड़ोली के रहने वाले हैं, तो इस वीडियो को जो है आप जन जन तक जरूर पहुंचाएं ताकि ये जो परिवार जो भटकता हुआ मिला है सही सलामत अपने घर तक पहुंचे। हालांकि ये अपनी कुछ चोटें दिखाते हुए दिख रही है, ये जांच का विषय है, लेकिन अगर इनके परिवार वाले या कोई भी दोस्त या जान पहचान के लोग अगर देख रहे हैं तो इस वीडियो को आप जरूर उन तक पहुंचाएं, इनके परिवार वालों तक, ताकि अपना आशियाना आश्रम में लेने के लिए इनको पहुंच जाए आपका अपना परिवार। छोटी दो बच्चियां आप देख पा रहे हैं, उम्र महज 5 वर्ष ही होगी, तो आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील, इससे पहले भी आपने बहुत से लोगों को घर पहुंचाने में मदद की है करनाल ब्रेकिंग न्यूज की, आज एक बार फिर से हम लोगों की छोटी सी मदद कीजिए इस परिवार को उसके घर पहुंचाने में। नंबर में एक बार आप लोगों को बता देते हैं, आप अपना आशियाना को भी कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आपको कुछ भी डिटेल्स मिलती है आप हमें भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, 98120 13 53, ये करनाल ब्रेकिंग न्यूज का नंबर है, आप हमें भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कीर्ति कथुरिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।